ये सवाल मेरे से काफी पूछा गया है कि बच्चे को आरएमसी की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करनी है। सबसे पहले आरएमसी में जो बच्चों का एडमिशन होता है वो क्लास 8th में होता है, ठीक है, लेकिन जो बच्चों की प्रिपरेशन है वो 3rd ऑनवर्ड्स शुरू हो जानी चाहिए। बच्चे 3rd से आरएमसी की प्रिपरेशन करते हैं क्योंकि आरएमसी का जो एग्जाम है वो इतना डायनेमिक है और उसमें इतनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है कि बच्चे को प्रैक्टिस की जरूरत काफी पड़ती है। उसमें इंग्लिश है जिसमें अगेन लेवल बहुत अच्छा है, बच्चों का एक व्यू पॉइंट बनाना बहुत जरूरी है, एक विचारधारा उनकी बनाना बहुत जरूरी है और वो विचारधारा बनाने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि बच्चा 3rd से 4th से आरएमसी की तैयारी करे। उसके अलावा साइंस है, जीके है, करंट अफेयर्स है, इनमें बच्चों को अच्छा करना है। तो एक ओवरऑल अगर हम कहें एडमिशन तो 8th में है लेकिन 3rd ऑनवर्ड्स बच्चों को आरएमसी की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। हमसे ये क्वेश्चंस भी काफी पूछा गया है कि अगर बच्चे का आरएमसी का एग्जाम छूट जाए तो वो आगे क्या कर सकता है या उसके पास आगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। वैसे तो आरएमसी के लिए टोटल 3 अटेम्प्ट मिलते हैं और अगर वो भी बच्चे के छूट गए तो आगे 9th में ऑप्शन है सैनिक स्कूल और आरएमएस का, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है आरएमएस और सैनिक स्कूल है, वो भी काफी अच्छे स्कूल्स हैं, वो बच्चे के लिए एक अच्छा ऑप्शन रह सकते हैं अगर बच्चा डिफेंस में जाना चाहे। एक और चीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आरएमसी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर, पेरेंट्स को काफी डाउट रहता है कि बच्चे की क्या एज होनी चाहिए आरएमसी के लिए और वो कौन सी क्लास में होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं क्लास की बात करूं तो मिनिमम जो क्लास है बच्चा अपनी 6th के एंड में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर बच्चा 6th में है तो वो पहला आरएमसी का जो अटेम्प्ट देगा वो दिसंबर वाला देगा, लेकिन सिर्फ इतनी ही एलिजिबिलिटी काफ़ी नहीं है, साथ साथ उसका एज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी एकदम फिक्स होना चाहिए या एकदम भरपूर होना चाहिए। उसके लिए आप हमारे वेबसाइट में एक पूरा हमने एक फॉर्मेट बनाया है पीडीएफ फाइल का, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और जिस ईयर और जिस मंथ में बच्चे का एग्जाम है उस मंथ में आप उस एज का विंडो देखकर अपने बच्चे का एज का क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। आरएमसी एंड डिफेंस एक्सपर्ट के रूप में मुझसे काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं कि बच्चा अगर आरएमसी में उसका सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर आगे उसमें बच्चे में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो जो हमारा क्राइटेरिया है प्रिपरेशन का वो एक बच्चे को एकेडमिक एंड पर्सनैलिटी वाइज उसको कम्प्लीट बनाना है। तो हम बच्चे के पर्सनैलिटी पर भी फोकस करते हैं और उसके एकेडमिक्स में भी फोकस करते हैं। अगर बाय द वे अगर बच्चे का फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो अगर हम सोचें कि बच्चे का अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो उसके बेसिक्स इतने अच्छे हो जाएंगे कि आगे उसके पास अपॉर्चुनिटीज हैं एंड देन अल्टीमेटली स्काई इज द लिमिट ना, अल्टीमेटली ही कैन जॉइन एनडीए सैनिक स्कूल्स, वेरियस आर द ऑप्शंस, बट बेसिक्स उसके बहुत अच्छे हो जाएंगे। पेरेंट्स पूछते हैं हमसे कि अगर बच्चे का सिलेक्शन अल्टीमेटली नहीं होता है क्योंकि आरएमसी में सीट्स बहुत लिमिटेड है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर बच्चा आरएमसी की प्रिपरेशन करता है तो हमारा जो एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है बच्चे को प्रिपेयर कराने का और उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, उसके बाद जो आप चेंजेस अपने बच्चे पे देखेंगे, ऐसे काफ़ी बच्चे हमारे एकेडमी में हैं जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं प्लस उनका एक व्यू पॉइंट जनरेट हुआ है जो बहुत ही ज़रूरी है, एक विचारधारा बच्चों की बनी है किसी भी टॉपिक के ऊपर, वो बननी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे डिफेंस में अगर उनको जाना है तो उनका इंटरव्यू है, एक पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है, डिस्कशन है जिसमें बच्चे को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो एक विचारधारा बनाना बच्चे की हमें लगता है एक बहुत ज़रूरी है और इस कम उम्र के बच्चों की भी अगर आप विचारधाराएं देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे वो चीज़ें देखकर। Thank you.